आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय चैनल RNN News, खबर आप तक। नमस्कार, मैं हूं प्रीति मधुकर और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय चैनल RNN News। आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। जम्मू के बस स्टैंड में आतंकवादियों द्वारा 7 मार्च को किए गए ग्रेनेड धमाके में 3 व्यक्ति की मौत और 40 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उसी घायल में छत्तीसगढ़ के मालखरौदा क्षेत्र के निवासी सुखलाल सिंह सिदार भी शामिल था, पर इस आतंकी हमले में घायल हो गए थे। उन्हें इलाज के दौरान 20,000 रुपये दिया गया, लेकिन आतंकी हमले में घायल हुए सुखलाल सिंह सिदार पेशे से एक राजमिस्त्री है, जो अपने परिवार चलाने रोजी रोटी के लिए छत्तीसगढ़ से जम्मू कश्मीर मजदूरी करने गए थे, लेकिन उसे क्या पता था कि आतंकवादियों के हमले के शिकार हो जाएगा। धमाके के बाद सुखलाल के सामने अंधेरा सा छा गया था। उसके एक हाथ और एक पांव जो बुरी तरीके से जख्मी हो गया। धमाका सुनने के बाद वह खुद ही बेहोश हो गया। बेहोशी की हालत में उसे जम्मू कश्मीर में सरकार के द्वारा इलाज भी कराया गया, लेकिन जब उसे अस्पताल से छुट्टी मिली उसके बाद वह छत्तीसगढ़ के अपने गृह ग्राम पोता आ गया। लेकिन अब तक सुखलाल के हाल चाल जानने न कोई प्रतिनिधि पहुंचे और न ही शासन प्रशासन के लोग। ऐसे में अब सुखलाल के परिवार वालों पर आसमान टूट पड़ा है, क्योंकि सुखलाल के 4 बेटे बेटी पत्नी और माँ मौजूद हैं। अब सुखलाल घायल अवस्था में बेड पर है, हाथ और पैर बुरी तरीके से जख्मी हो चुके हैं। हालत तो यह भी है कि इलाज के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। ऐसे में सुखलाल अब सरकारी मदद की आस लगाए बैठे हैं। काम में जाते हैं बम ब्लास्ट हुई से, पर अब गोल पैस बेहोश हो गए। मैं उसका कुछ गम नहीं पाए, हॉस्पिटल में पहुँचे। हॉस्पिटल पहुँचे के बाद इलाज पानी बढ़िया हुई से छुट्टी करवा देगी से। घर आए मैं यहाँ, घर आए के बाद में अभी तक कोई देखे मदद करने के लिए कोई नहीं आए। मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि मुल कोई मदद करें। मैं गरीब परिवार के घर के हूँ, मुल लोग लेकर छोटे छोटे सरकार ले आशा करता हूँ कि मुला कुछ मदद करें। अब देखना होगा कि ऐसे में शासन प्रशासन सुखलाल की क्या कुछ मदद करती है। जांजगीर से विनोद कुमार कश्यप की रिपोर्ट।